नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लिमिट फिट और टॉलरेंस से 20 क्वेश्चन मैंने ऐसे लेकर आए हैं आपके लिए, खास तौर पर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आने वाले आपके बहुत से एग्जाम जैसे सेल, DRDO, MTS का पेपर है आपका, NPCIL की वैकेंसी आई है, HWB की वैकेंसी आई, तो फ्रेंड्स ऐसी बहुत सी वैकेंसी आपकी चल रही है, तो उनकी तैयारी करने का जिम्मा जो मैंने लिया है आपके लिए, स्पेशली भिलाई से नोट्स मंगाए हैं जिसमें 5000 क्वेश्चन है आपकी थ्योरी से रिलेटेड। फिटर टर्नर मशीन स्टीनो ट्रेडों की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लिमिट फिट्स और टॉलरेंस, क्योंकि मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि आपको अगली वीडियो किस चैप्टर से चाहिए, तो आपने लिमिट ऑफ फिट और टॉलरेंस से बोली है, मेटल से भी बोली है बहुत से लोगों ने, लेकिन मैं अभी लिमिट फिट टॉलरेंस की इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम 20 क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, इंटरचेंजेबिलिटी का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आपको चार ऑप्शन देंगे, हर बार की तरह आपको राइट आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, वो है ऑप्शन ख, उत्पादन में वृद्धि व लागत में कमी के लिए इंटरचेंजेबिलिटी का ये एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से ड्राइविंग फिट का मुख्य उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन का को आप देखिए, साफ्ट पल बॉल बेयरिंग, यह है ड्राइविंग फिट का मुख्य उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक असेंबली में पिन को मैलेट की चोट से फिट किया गया है, उसमें प्रयोग होने वाला फिट खालिस्तान है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का, पुश फिट है फ्रेंड्स वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्लैंकिंग डाई और पंच निर्माण में किस फिट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, कौन सी फिट होती है वहाँ पर। तो जो फिट होती है वो है ऑप्शन का, वहाँ पर स्लाइडिंग फिट होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका आंसर जरूर सुनूंगा, देखूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने सही बताया है कि नहीं बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पांचवा, एक विद्युत मोटर में शाफ्ट के ऊपर रोटर किस प्रकार फिट द्वारा किस फिट के द्वारा फिक्स किया जाता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, तो पांचवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ख, फोर्स फिट के द्वारा फिट किया जाता है एक मोटर पर रोटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है छठवा, ये रहा आपके सामने, पार्ट पर टॉलरेंस देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। फ्रेंड्स, तो जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो राइट आंसर है छठवें क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन घ, उपरोक्त ख और ख दोनों, मतलब पार्ट को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के मध्य बनाने के लिए भी, पार्ट को शुद्ध साइज बनाने के लिए भी हम टॉलरेंस देना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, ठीक है, अगर टॉलरेंस नहीं होगा जॉब पे तो 99% जॉब जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन है हमारा सातवां, वो ये रहा, इंडियन स्टैंडर्ड पद्धति होल बेसिस पद्धति है जिसमें क्या होता है, चार ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, केवल यूनिलेटरल टॉलरेंस दी जाती है इंडियन स्टैंडर्ड पद्धति होल बेसिस पद्धति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आठवां, स्नक फिट निम्न में से किस फिट के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। तो जो स्नक फिट होती है वो होती है ऑप्शन का, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नौवां क्वेश्चन है हमारा ये रहा, नौवां क्वेश्चन, निम्न चित्र में किस प्रकार का फिट दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, चित्र को देख के आपको बताना है कि जो फिट है वो कौन सा है। तो आप देख रहे हैं शून्य रेखा के आगे ऊपर होल है और शून्य नीचे से नीचे सॉफ्ट जोन है, तो आपको बताना है ये फिट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है नौवे क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन ख, क्लियरेंस फिट, क्योंकि होल बड़ा होता है, सॉफ्ट छोटा होता है क्लियरेंस फिट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दसवां, वो ये रहा, निम्न चित्र में किस प्रकार की फिट दर्शाई गई है, फिर से एक चित्र दर्शाया गया आपके सामने, आपको बताना है कि फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ तो थोड़ी पिक्चर की जो क्वालिटी है वीडियो की हमारी थोड़ी सी आपको लो लग रही है, क्यों, क्योंकि ये पुराने नोट्स हैं फ्रेंड्स, इसका जो पिक्सल है फटे फटे आ रहे हैं, फिर भी आप मैनेज कीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ढूंढे हैं, मंगवाए हैं, तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा इतना तो चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़, जो आपका क्वेश्चन ये था कि ये चित्र देख के आपको बताना था कि ये फिट कौन सी है, तो फ्रेंड्स आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। दसवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का, इंटरफेरेंस फिट। फ्रेंड्स, आपने सही सोचा है, यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट है, जैसा कि ऊपर चित्र में देखा था आपने, होल जोन ऊपर था, सॉफ्ट जोन नीचे था, यहाँ पर उल्टा है, सॉफ्ट जोन ऊपर है, होल जोन नीचे, टॉलरेंस जोन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फिट होगी वो होगी इंटरफेरेंस फिट, ऑप्शन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्यारहवां, निम्न चित्र में दी गई ड्राइंग के अनुसार निम्न में से कौन सी माप टॉलरेंस के अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं
45 ± 0.05 का टॉलरेंस है। तो वो आगे ऊपर भी दिया गया है 0.05 का टॉलरेंस, नीचे भी दिया गया है। तो आपको बताना है ऑप्शन के अंतर्गत कि कौन सा ये साइज है, इसके अंतर्गत अंदर में आता है, लिमिट में आता है, ये आपको बताना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का 45.04 mm। क्यों है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं का ऑप्शन देखेंगे आप तो 40.0.8, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो उसकी लिमिट है, आप देख रहे हैं जैसा कि 45 की बेसिक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो 40 है तो वैसे ही यहाँ रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ये 44.92 है, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो अपर लिमिट क्या है, टॉलरेंस बराबर क्या होता है आप मुझे ये बताइए। टॉलरेंस बराबर होता है हाई लिमिट साइज माइनस लो लिमिट साइज, ठीक है, कि अंतर को ही आप टॉलरेंस कहते हैं। तो हाई लिमिट यहाँ है 45.0.05, ये हाई लिमिट है, और 45 से आप घटाएंगे 0.05 तो जो 44.95 आएगा वो होगी इसकी लो लिमिट। तो यहाँ पे 92 है तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आप गा ऑप्शन को देखिए 45.04, तो फ्रेंड यहाँ पे 05 तो ये इसके अंदर ही आ रहा है, इसलिए इस प्रकार आपको चेक करके यहाँ बताना था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया पूरा। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, BIS के आधार पर फिट को बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना BIS के अनुसार हमारी जो फिट्स हैं वो कितने भागों में हैं। तो 12वें क्वेश्चन का जो जहां पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन ख, 3 भागों में। कौन कौन सी हैं बताइए, क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफियरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड मैं आपको यहां बता दूं, जो 13वां क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर गलत है, तो मैं यहां पर इसको स्किप कर रहा हूं। आगे मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा जो 21वां होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो हमारा 13वां क्वेश्चन था वो थोड़ा गलत था, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं, क्योंकि मुझे यहां पर राय जितने भी सही क्वेश्चन है वो लेना है, आपकी सही तैयारी कराना है, आपको गलत नहीं पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड, तो जो 14वां क्वेश्चन है वो है ये, एक छिद्र जिसका निम्न अलगाव शून्य है, ठीक है, को मूल छिद्र कहते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को दर्शाता है। छिद्र मतलब होल, ठीक है, आपको यहां पर बताना है होल को कौन सा चिन्ह दर्शाता है, ये आपको यहां पर बताना है। तो जो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, जैसा कि आपको पता है एच द्वारा होल को दर्शाया जाता है, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, वो ये रहा, आपको ध्यान से पढ़िए, इसका जो ऑप्शन है वो नीचे है। एक शाफ्ट के अधिकतम और न्यूनतम आकार की लिमिट जिसका सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस क्षेत्र चित्र में दर्शित है तथा जिसका मूल आकार मतलब बेसिक साइज 40 mm के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन होगा। ये चार कथन आपके नीचे होंगे, इसके आधार पर आपको बताना। जैसा कि मैं बता देता हूँ, ये इसका चित्र, जीरो लाइन दिखाई गई है आपको, 40 दिखाई दे रहा है, बेसिक साइज 10 की उसकी हाई लिमिट है। तो आपको ये चार ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा मैच होगा। तो मैं आपको बता दूँ जो इसका राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन ग, अधिकतम लिमिट 40.010 mm है, क्योंकि यहाँ पर हाई लिमिट में 10 था और न्यूनतम लिमिट आप घटा लेंगे 40 में से 10 को, तो 9.60 हो जाए, क्योंकि 40 है, 40 घटा के देखिए आप 40 में से, क्योंकि मिनिमम जो वो है लिमिट हमारी वो 40 है, ठीक है, 0.04 मतलब 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 16वां, वो ये रहा, चित्र में दर्शाए गए अनुसार मतलब चित्र के अनुसार सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस क्षेत्र वाले छिद्र के आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसका मूल आकार 60 mm है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, मूल आकार जो जीरो है उसका 60 mm है, ये आपको हाई लिमिट भी यहाँ पर दी गई है और लो लिमिट भी दी गई है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन घ, अधिकतम सीमा यहाँ पर 60.059 mm और न्यूनतम सीमा 60.009 mm, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम भी दी है और अधिकतम दी है, दोनों प्लस में है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाप में अधिकतम सहिष्णुता है। सहिष्णुता मतलब क्या होता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, हाई लिमिट साइज माइनस लो लिमिट साइज। तो यहाँ पर जो आप टॉलरेंस घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, जैसे कि का ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, 40 प्लस का यहाँ पर 0.05 mm का टॉलरेंस है और नीचे 0.02 का, तो 40.05 में से आप 39.98 घटाएंगे तो जो टॉलरेंस आएगा वो होगा इसका टॉलरेंस। ऐसे ही आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में, तो आप ऑप्शन खा देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा आएगा, घटा के देख लीजिए भले ही आप, ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 18वां, इंटरफेरेंस फिट का निम्न में से कौन सा फिट वर्ग नहीं है, कौन सा फिट इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत नहीं आता, ये पूछ रहा है क्वेश्चन।
18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन का पुश फिट नहीं आती, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन फिट में आती है। अगला क्वेश्चन है 19वां, ये रहा आपके सामने। ISO सिस्टम में टॉलरेंस की कितनी श्रेणियां होती है ये बताना, टॉलरेंस के ग्रेड कितने होते हैं ISO इंडियन, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन का 18 श्रेणी के टॉलरेंस होते हैं ISO में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फोर्स फिट में ड्राइविंग फिट की अपेक्षा कुछ, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन का को देखिए ध्यान से, अधिक नेगेटिव अलाउंस रखा जाता है हमारी फोर्स फिट में ड्राइविंग फिट की अपेक्षा अधिक नेगेटिव अलाउंस रखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 21वां, जो ये रहा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया तो यहाँ एक बढ़ा दिया है। निम्न में से वह कौन सा फिट है जिसमें आवश्यकता अनुसार नेगेटिव या पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार ये बताना है आपको। तो फ्रेंड्स आप गा ऑप्शन देखेंगे, ट्रांजेक्शन फिट ये इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज एक MCQ की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपकी जो फिटर थ्योरी, मशीनिस्ट थ्योरी और टर्नर थ्योरी तीनों की तैयारी मैं करवाता हूँ, तो जो आपकी तैयारी है वो आने वाले जो बहुत से आपके एग्जाम है टेक्निकल के, उसके लिए अच्छी हो जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियो के सबसे पहले पहुंचे। तो आई होप आपको, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।